بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله लाम मराफ कोर्स के हवाले से हमारे चार सबक मुकम्मल हो चुके हैं और फिर उसके बाद हमने दो दिन वक़ा लिया था आज हमारा इनशल पाँचवा सबक़ है आज हमारा पाँचवा सबक है तो हमने अभी तक जो है वो मीराष कोर्स का जो खाका मैंने शुरू में बताया था कि खुलासतमीरास फिर उसके बाद खुलासतुलमीरास में आ, तीन चीज़ें गालिबन बताई थी तरका से मुतालिक चार हकूक और फिर उसके बाद तरका तकसीम करने की तरतीबाने एक फिर दूसरी बहस जो थी मारिफतल व रसा की तीन किस्में मैंने बता दी जवीलफरूज आशाबाद और जवीलरहम जवीलफरोज और हम जविलहम फ़रूज़ बारत है चार मर्द और आठ थी हर एक की तफसीली तौर पर अहवाल मैंने आपके सामने जिक्र कर दिए अब जो है आसाबाद भी हमने पढ़ लिया आसाबाद की दो किस्में थी नसबी सबी नसबी के बारे में तफसील के साथ आपको बता दिया कि तीन किस्में हैं बिनफसी सही बिगई रही मा गई रही बिनफ सीही की चार किस्में हैं जज़ उम्मयत असलयत जुजो अबी ही जुज उजदी और बे रीही की भी चार किस्म हैं बिन बिन लाती उानी उख्तियालातीसम नासभा व हिन्ना और माँ गी की दो किस्म हैं उतियायानी उख्तियाला लाती यहाँ तक हमने पढ़ लिया था और फिर उसके बाद ये कुछ एक दो तीन मसाइल बता दिए थे और ये मसाइल भी हल कर दिए थे अब आज हमने पढ़ना है आसाबाद में तरजीह के लिए असूल <क्षव> आसाबात में तरजीह के लिए जो असूल है वो आज हमने पढ़ने हैं तो ये स्क्रीन नज़र आ रही सबको जरा कंफर्म कर दें स्क्रीन के बारे में ज़रा कंफर्म कर दें कि सबको नज़र आ रही है कि नहीं ये ऐसा में तरजीह के लिए उसूल ये सबको दिखाई दे रही है सही तरीके से अच्छा अच्छा यहाँ पे ज़रा आप देखें अब हमने आसाबाद पढ़ ली है के बारे में आपको बता चुका हूँ जवील फरूज से जो बाकी बचता है वो माल ले लेते हैं अगर जवील फरूज ना हो तो पूरा सारा का सारा माल जो है आसाबाद ले लेते हैं ये मैंने आपको बताया है ठीक है अब हमने बिनफ सि बिगे रही मा गैर रही ये हमने पढ़ ली है अब बिनफ की जब तकसीम पे हम आते हैं बिनफ में वहाँ पर जुज़ जज़ुलमयत में में से इबन आ गया और जुज़ अभी ही जज़ुलमय अस उलमैत में से बाप आ गया जुज़ अभी ही में से अख़ आ खा गया ठीक है तो अब हमने ये तरजीह कैसे देनी है पहले बेटे को देंगे बाप को देंगे भाई को देंगे क्या तरतीब है तो अब हमने यहाँ पे तीन असूल है एक को तरजीह बिलजहद कहते हैं दूसरे को तरजीह बिलकुरब कहते हैं और तीसरी चीज़ जो है तरजीह बिलकूह तरजीह बिलजहद तरजीह बिलक्रम और तरजीह बिलकूआा तो सबसे पहली और बुनियादी चीज़ जो है जो हमने आसाबात में तरतीब पढ़ी है पहले जज़ुलमैत को विरासत में हिस्सा मिलता है ज़ुलत को ठीक है अगर जज़ुलमैत ना हो फिर जो है असलालमैत बाप दादा वगैरह को हिस्सा मिलता है अगर ये दोनों ना हो फिर तीसरे नंबर पे जज़् अभी ही यानी मैय के भाई वगैरह जो है उनको हिस्सा मिलता है और अगर पहले तीन ना हो चौथे नंबर पे जो जद ही मौजूद हो चचा वगैरह मैत की तो फिर उसको विरासत में हिस्सा मिलता है ठीक है तो अगर इसको तरजीह बिल जिहद कहते हैं इसमें क्या कहते हैं तरजीह बिल जिहद कहते हैं अब इसमें चार मुख्तलि किस्में हो गई चार मुख्तलिफनाफ तो इन में जहत के एतबार से पहली जहत वाले पहली जहत वाले को दूसरी जहत वाले पे हम तरजीह देंगे कि पहली जहत वाले को बनौत भी कहते हैं बनौत बैठे और दूसरी वाले को उबुवत भी कहते हैं दूसरी वाले को अवत और चौथी वाले को अमूमत भी कहा जाता है तो बहरहाल आपने ये याद रखी तरजीह बिल जहा तो सबसे पहले जो है जिहत के एतबार से हमें तरजीह देनी है यानी अगर पहली कैटेगरी में से कोई आ गया ऐबन आ गया बेटा आ गया वो पोता आ गया तो अब उसको हम आसभा होने के अतबार से देंगे बाकी जो आसबात आएंगे भाई है चचा है बाप है और वो आसभा बन रहे हो तो उनको फिर आसभा होने के अतबार से हिस्सा नहीं मिलेगा ये तरजीहबिल जेहद है तर्जी हबिल क़ुरब से क्या मुराद है कि एक ही जेहद में से आ जाए मसला बेटा आ गया पोता आ गया अब ये बेटा पोता जो है ये जुज उलमैत ही में से है ये दोनों क्या है जुज उलमैत में से ही है इसी तरह बाप आ गया दादा आ गया अब ये दोनों असल में से है तो अब ये तरजीह के एबार से हमने तरजीह देनी है यानी मैय का जो करीबी है उसको हम तरजीह देंगे और जो दूर वाला है उसको हम ताकद कर देंगे अब बाप दादा में मैत के करीब कौन है बाप मैय के करीब है तो बाप को असभा होने के अतबार से मिल जाएगा दादा क्या हो जाएगा महरूम हो जाएगा इसी तरह बेटा पोता हो तो बेटे को असभा होने के अतबार से मिल जाएगा और पोता जो है वो महरूम हो जाएगा इसको तरजीह बिलकुर कहा जाता है <coughs> नंबर तीन आके आइनी हकीकी बाई जिसको कहा जाता है नंबर दो आके आल्लाती अगर कहीं आ गए हकी भाई भी है आल्लाती भाई भी है बाप शरीक भाई भी है तो अब है तो दोनों भाई दोनों असबा बनते हैं दोनों क्या बनते हैं असभा बनते हैं अब कैसे हम इनमें तकसीम करेंगे जब दोनों असभा बन गए कैसे तकसीम करेंगे तो यहाँ पे उसूल जो लागू होगा तरजीह बिलकूआा इसको क्या कहते हैं तरजीह बिलकूआा क़वत के एतबार से हम यहाँ पे तरजीह देंगे किसके एतबार से कुत के एतवार से तरजीह देंगे अब यहाँ पे आश हकी जो है आश आइनी जो है ये माँ की तरफ से भी इसका रिश्ता है बाप की तरफ से भी रिश्ता है इसका डबल रिश्ता है ताकत वाला है और आके अल्लाती का रिश्ता सिर्फ जो है मैयत के साथ बाप की तरफ से है माँ की तरफ से नहीं है तो कुत किस में हो गई आके आयनी में ज्यादा कुत हो गई तो आके आयनी को विरासत में हिस्सा मिल जाएगा और आखे अल्लाती क्या हो जाएगा महरूम हो जाएगा में तरजीह के लिए तीन असूल है तरजीह अहबिल जहद तरजीहबिल कौरब और तरजीह बिलकु इस एतबार से हमने तरजीह देनी होती है उम्मीद करता हूँ इस बात की समझ आ गई होगी अब आगे चलते हैं कायदा समझ लें आसाबात में मसला रूस से बनाया जाता है आसबात में मसला रूस से बनाया जाता है रूस रुन की जमा है रूस जो है ये रस की जमा है रन अरबी जुबान में सर को कहते हैं र अरबी जुबान में सर को कहते हैं तो इससे मुराद अफराद व इससे मुराद क्या होता है अफराद एक और लफ्ज इसके साथ मिलाया जाता है आददी रूस आदद आगे हम पढ़ेंगे बार बार आएगा आदत का माना होता है तादाद तो आदद से मुराद होता है वरासा की तादाद यहाँ पे जो बताए आसबात में मसला रऊस से बनाया जाएगा यानी जब हम मसला हल करेंगे तो वो रसा की जो तादाद होगी वो रसा की जो तादाद होगी उससे हम मसाला बना देंगे अब मसला यहाँ पे एक मैय है उसने पांच बेटे छोड़े उसने क्या छोड़े पांच मेटे, बेटे छोड़े और बेटे जब मरहूम का बेटा मौजूद हो वो आसाबा होता है आसाबा की जो किस्में हमने पढ़ी है जुज उलमैत में से है तो ये आशाबा बन गया ठीक है ये क्या बन गया आसाबा अब देखिये ये यहाँ पे पांच बेटे है वह कि यहाँ पे पांच रऊस है यहाँ पे कितनी रूस है पांच रऊस है पांच सर है ठीक है पांच रूस है तो मसाला हम किस से बनाएंगे पांच ही से मतलब कुल तरह तरक्की को पांच हिस्सों में तकसीम कर देंगे पांच हिस्सों में तकसीम कर दिया हर एक बेटे को एक हिस्सा मिल गया हर बेटे को क्या हो गया एक एक हिस्सा मिल गया बात समझ आ गई जी चलें यहां तक बात समझ आ गई अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ नहीं आ रही आप सबकी आवाज़ से हो रहा चैट बॉक्स में कलम के जरिए से आपके आवाज़ का इजहार नहीं हो रहा जी ठीक आगे मसाला बनाने का जो है तरीका अभी पढ़ेंगे इनशाला अब यहाँ पे अरबी में जैसा कि आपको मालूम है हम बयान करते हैं असबात वाली किस्म आसबात की दो किस्में हैं नसबी व सबबी

वहीं सफल सफर और इस तरह नीचे चलते जाएंगे तो पड़ पोता सकड़ पोता आते जाएंगे असल यान अबूद इन आला असल से इसी तरह ऊपर चढ़ते जाए व इन आला ऊपर जाते जाए दादा सकड़ दादा लकड़ दादा जुजो अबी ही यानी यान अलअ बनू बनूहू यानी भाई फिर उसके बैठे भतीजे आ जाएंगे ना बनूहू बन अलअ भतीजे इसी तरह नीचे चलते जाए चा चचा के बेटे है और इस तरह नीचे चलते जाए कि यहाँ पे मौजूद जिक्र करती है तुम मिल अब फिर बाप का चा मनू हो फिर उसके बेटे आ जाएंगे व इन सफलू फिर नीचे आम उलजत फिर दादा का चा आला इस तरह ऊपर चलते जाए तुम मैं हुए वैसे फलू फिर उसके बाद इसी तरह आगे चलते जाएंगे ठीक है यहाँ तक तो बात हो गई न सभी वम्मा बिगई ही वम्मा बिगई ही फल बिन तु व बिनतुल इबनी वायनी यू वलतुल्लातीसर न आसाबतन बीख वे सब के सब जो है आसबा बनते हैं अपनी बाइयों की वजह से इनके साथ जो भाई आएगा बेटी के साथ बेटा आ जाए पोती के साथ पोता आ जाए हकीकी बहन के साथ हकीकी भाई आ जाए अल्लाती बहन के साथ अल्लाती भाई आ जाए तो ये क्या बनते हैं आसाबा बन जाते हैं अच्छा यहाँ पे मैंने एक अहम बात पहले भी आपसे जिक्र कर दी थी एक अहम बात जो है वो पहले भी आपको बता दी थी आप दोबारा मैं जिक्र करने लगा हूँ कि हर मुअन्नस जो है अपनी बाई की वजह से आसाबा नहीं बनेगी मसलन पोपो है अब उसका भाई जो है जिसको हम चचा कहते हैं वो चचा जो है आसाबात में से है लेकिन पोपो जो है वो आसाबा नहीं बनती अपने भाई की वजह से तो यहाँ पे गोया कि हमें एक कैद नजर आई एक शर्त नजर आई कि ये वो ख़वातीन है जिनका जवीलफरोज में से हिस्सा है वो वो खातन जिनका जवील फरोज में से हिस्सा होता है अगर उनके साथ उनका भाई आ जाता है तो फिर वो क्या बनते हैं असबा बनते हैं नंबर तीन वो अमी बल मही जो है वो भी दो किस्म है उनकी फलुख्त लाइनी यथू वाल्लाती थू यसर नौरा यसर से है, ठीक है अफाल नाकसा जो आपने पढ़े हैं सौरा यन ये आसबा बन जाएगी माल बिन थी व बिन थी लिबनी मनस सवाल के जरिए से यानी बेठी पोथी वगैरह के जरिए से ये तो हो गए आगे जो आखिर में दो कवायद बता दिए थे वो यहाँ पे आ रहे यस वो यश कुतुबीमा और इन दोनों के जरिए दोनों से मुराद क्या है उक्त आयनी और उखत्याल्ला थी जो मन की से सियासबा बनती होगी उसके जरिए से कौन महरूम हो जाएगा इबन अलअ भतीजा महरूम हो जाएगा ठीक है वह अबिनलाइनिया थी और उक्त आयनिया के जरिए से अखिन इन जो है यानी बाप शरीक बाई महरूम हो जाएगा क्योंकि ये दोनों बहनें जो है इस वक्त जब ये आसाब बनती है बिंद के जरिए से मंजिलान बाइयों के हकम में हो जाती हैं और जब ये बाइयों के हकमे में हो जाए और बाई अगर इनकी जगह होता तो इब और अखिल अब ये महरूम हो जाती ये तो आसबा थे सभी की बात थी अब यहाँ पे सबी को उर्दू में जिक्र नहीं किया

जब एक बंदे ने गुलाम को आजाद कर दिया अब अगर उसके वो रसा ना हो जबी फरूज ना हो गुलाम के और आसबात ना हो अब जो ये आजाद करने वाला होता है इसको विरासत में हिस्सा मिलता है, इसको वाला कहते हैं इसको वाला वा इसको विरासत में हिस्सा कहा जाता है इसको मऊलता कहा जाता है ठीक है तुम मैसबातर अगर आजाद करने वाला मौजूद ना हो मौलता मौजूद ना हो तो फिर मौल अका के जो आसाबात है यानी बिनफ सी ही जो है, है उनमें से अगर कोई मौजूद होगा उनको विरासत में हिस्सा मिलेगा चूंकि आजकल ये सूरत पेश नहीं आती गुलाम वगैरह अभी फिल वक्त जो है मौजूद नहीं है आइंदा के बारे में कुछ नहीं बता सकते तो इसलिए जिसको हम ज्यादा मजीद तफसी के साथ नहीं पढ़ेंगे अलू ये कायदा बता दिया वो तीन कवाद मैंने बताया ना कि तरजीह दी जाएगी ज़िहत के अतबार सेबार से और असल का माना कायदा होता है फिलहाल तो बनाया जाता है तुब न बनाया जाता मिनर रूस व रसा की तादाद से आदद से मसला बनाया जाता है वो भी मैंने बता दिया यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो आसाबाद की बहस थी वो मुकम्मल हो गई आसाबाद की बहस जो है वो मुकम्मल हो गई जवील अरहाम को जो है वो इनशा अभी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा जवील अरहाम को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जवील अरहाम के चार असनाफ है जवील अरहाम जो है इनकी क्या कितने, कितने अशनाफ है चार अशनाफ़ है सबसे पहले जवील अरहाम को समझ ले जवील अरहाम से मुराद मैत के वो रिश्तेदार मैत के वो रिश्तेदार जो जवील फरोज और आसाबात में ना हो मैत के वो रिश्तेदार जो जवील फरूज में से ना हो आसाबात में से ना हो वो जवील अरहाम कहलाते हैं अगर मैय के जवील फरोज भी ना हो आसाबाद भी ना हो तो फिर जवील अरहम को विरासत में हिस्सा मिलता है और ये सूरत बहुत कम पेश आती है शाह नादिर जो है ये सूरत पेश आती है हमें पता होना चाहिए कि जवील अरहाम में कौन कौन अफराद दाखिल है तो ये इसकी चार किस्म है चार अशनाफ है नंबर एक मैय की फरा मैत की फरा मायन तमी अलमैत ठीक है मैत की औलाद में से वो रिश्तेदार मैत की मैत की फरा से मुराद क्या है मैयत की औलाद में से वो रिश्तेदार जो जवील फरोज और आसाबात में से ना हो मैत की औलाद में से वो रिश्तेदार जो जवील फरूज और आसाबात में से ना हो जैसे मैत का नवासा है मैत की नवासी है और इसी तरह पोती की बेटी वगैरह पोतियों की औलाद है ठीक है यानी मैत की तरफ मनसूब हो जैसे बेटियों की औलाद पोतियों की औलाद ठीक है मैत की असल नंबर दो मैत की असल इससे क्या मुराद मैयत के आबाओ अजदाद में से वो रिश्तेदार मैय के आबाओ अजदाद में से वो रिश्तेदार जो जवील फरोज और आसाबात में शुमार नहीं होते जैसे नाना हो गया दादी का बाप हो गया नानी की माँ हो गई जद्द फ़ासिदा जिसे कहा जाता है जद्द फ़ासिद और जद्द फ़ासिदा इसमें शामिल है इसी तरह तीसरी किस्म जो है मैत के अब और उम की फरा मैत के अब और उम की फरा यानी मैत के माँ बाप की वो औलाद मैत की माँ बाप की वो औलाद जो जवीलफरोज और आसाबात में से नहीं है जैसे भतीजी है बांजा है बांजी है माँ शरीक भाई के बेटे हैं माँ शरीक बाई के बेटे हैं जिनको खैफी भतीजे कहा जाता है मैत के वालदेन की तरफ मनसूब वो औलाद जो न जवील फ़रूज़ में से हो न जवील अरहाम में से हो जैसे बहनों की औलाद भांझे भांझिया हो गई भाइयों की बेटियाँ भतीजिया माँ शरीक भाई के बेटे खैफी भतीजे ठीक है <coughs> नंबर चार मयत के जद और जद्दा की फराम यानी मैत के दादा और नाना की वो औलाद जो जवीलफरोज और असाबात में शामिल ना हो मैत के जदैन दादा नाना जदतैन दादी और नानी वगैरह की तरफ मनसूब वो अफराद जो जवीलफरोज़ और आसाबात में से ना हो उनको जवील अरहाम में शुमार किया जाएगा जैसे आम खैफ़ी अखियाफी चचा आम पुपियाँ अखबाल मामू, खालात, खालाएं और उनकी औलाद वगैरह उनकी औलाद वगैरह ये जवील अरहाम में से है ये जवील अरहाम की चार अशनाफ हो गए ये क्या हो गए जवील अरहाम की चार अशनाफ आपके सामने बयान कर दी उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ आ गई होगी الله اكبر كبيرة والحمد لله كثيرا يا ذا الجلال والاكرام برحمتك استغيث جي تيك جي اب اسكو عربي مبان كي ذوي الارحام فهو على اربعه اصناف बहरहमे चार असनाफ़ पर मुश्तमिल है असिनफाऊल पेलीफ़ जो है यानी पहली क़स्म जो है मैं तमी अलमैत वो है जो मैत की तरफ मनसूख होती है जो मैत की तरफ मनसूख होती है नानी मैत की वो ओलाद जो जवीलफरूज और से ना हो मैत की तरफ मनसूख तो है लेकिन जवीलफरूज और में से नहीं है वहम औलादुलबनाथ व औलादुलबनात असिनफुलसानी मैं तमी इलामुलमैत वहमजद उस्सा खतून वजद्दात उसाक़ात दूसरी किस्म जो है कि मैत उनकी तरफ मंसूब हो यानी मैत की आबाजाद जो जवीलफरोज और असबात में से ना हो जैसे जद्द फासिद और जद्द फ़ासदा असिन फसल इसमायन तमीबावमैत और तीसरी किस्म जो है असिन फसल तीसरी कस्म वो है जो मनसूब हो मैत के माँ बाप की तरफ और वहम औलादुलाखवात औलादवात है यानी भतीजिया भांजी भांझे भांझियाँलाद में मुराद दोनों आते बेटा बेटी बहनों की औलाद भांझे भांझियाँ व बनातलिखवा और भाइयों की बेटियाँ यानी भतीजियाँ भतीजे जो है वो तो हसाबाद में दाखिल है वह बनखमिन अलबत्तः खैफी बाई जो है खैफ़ी जो बाई है माँ शरीक बाई उसके बेटे जो है वो जवैल अरहाम में से है जवैल फरोज में से नहीं है ये बड़ी अहम बात है असिन फुर्राब अमा तम इलाज और जदत चौथी किस्म जो है मै, वो आ, वो रसा जो मैत के दादा नाना या आ, नानी की तरफ मंसूब हो दादी नानी की तरफ मंसूब हो जदई से मुराद जद सही और जद फासिद यानी दादा नाना की तरफ मंसूब हो जद दति ही यानी दादी या नानी की तरफ मंसूब हो वहमत इसमें पुफिया दाखिल हैं पुफिया दाखिल है, है। वलआम उम्मिन खैी चचा दाखिल है वल अखवाल वल वलखलात इसी तरह मामू और ख़ल वगैरह भी दाखिल है ये जवील अरहम है यहाँ पे आके अलहमदिल्ला व रसा की जो हमारी बहस थी वो मुकम्मल हो गई अब आगे हमने चलना है तीसरी बहस वो रसा को उनका हिस्सा पहुंचाने का तरीक़ा क्या है तीसरी बहस जो है कि वो रसा को उनका हिस्सा पहुंचाने का तरीका है अभी तक जो हम बहस पढ़ते रहे वो उनका ताल्लुक फीक़ा से था अभी तक जो बहस हमने पढ़ी है उनका ताल्लुक किसके साथ है से शुरू में मैं आपको बता चुका हूँ कि इल्म इल्म विरासत का ताल्लुक जो है वो फ़िका से भी है रियाजी से भी है अब जो हम हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं इसका ताल्लुक रियाजी के साथ है तो जो रियाजी के माहरीन है रियाजी के साथ मुनासिबत रखने वाले हैं ये मबाहिस उनके लिए बहुत आसान होंगी और ये जो यहाँ पे तरीक़ा बयान किया गया है ये सिराजी के मुताबिक है पुराने ज़माने में भी बाकायदा रियाजी पढ़ाई जाती थी उसका तरीका तरीक़ार था तो उसी के मुताबिक ये पढ़ाई जा रही है और इस तरीके को हम छोड़ेंगे नहीं छोड़ भी नहीं सकते ये तरीक़ा हमने सीखना है हमें आना चाहिए और भी बहुत से तरीक़े हैं इसके और भी बहुत से तरीके मौजूद है पहले ये तरीका हमें सीखना चाहिए उसके अलावा फिर और बाकी जो तरीके हैं उसको भी आप अपना सकते हैं कोई हरज की बात नहीं है लेकिन असल और बुनियाद यही तरीका हम रखेंगे तो बहरहाल आपके जहन में अगर कोई दूसरे तरीके भी आते रहे तो आप वो शेयर कर सकते हैं इसमें कोई मसले की बात नहीं है लेकिन याद आपने यही करना है जो मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा ये सिराजी के मुताबिक है सिराजी में जो तरीका बयान किया गया है वो है और सिराजी के बारे में मैं बता चुका हूँ ये मीरास के लिए मतन की हैसियत रखता है इल्म मीरास के लिए गोया कि ये नफ़ की हैसियत रखता है एक एक लफ्ज़ जो है सिराजी का बहुत ज़रूरी है एक एक लफ्ज़ का कोई ना कोई मतलब होता है तो इसमें हम दस मबाहिस पढ़ेंगे ये बोलने में बहुत ज़्यादा लग रहा है दस मबाहिस लेकिन है बहुत कम है ये बोलने में लग रहे हैं कि दस मबाश हो दस लेकिन है बहुत कम है बहुत कम है ठीक है सबसे पहली चीज़ जो है दो अहदों के दरमियान नस्बत मसलरा बनाने का तरीक़ा फिर तरक्का तकसीम करने का तरीका फ़ीसद निकालने का तरीक़ा तस्ह जो है रद्द मुनासखा तखारज दिन महीत मकासमतुल्ज तो हम ये शुरू कर लेते हैं सबसे पहली चीज़ जो है दो आदादों के दरमियान नस्बत ये जो रियाजी के माहरीन है इसको बतौर खास तवज्जो से समात फरमाएँ और इसको देखें कि इसको मज़ीद हम कैसे हम बयान कर सकते हैं क्या तरतीब हो सकती है ये सबसे पहली चीज़ जो है दो अददों के दरमियान नस्बत दो अददों के दरमियान चार किस्म की नस्बत होती है चार तरह की नस्बत होती है नंबर एक तमासल नंबर एक तमासल नंबर दो तदाखुल नंबर तीन तवाफुक नंबर चार तबायुन नंबर चार तबायुन दो दोदतों के दरमियान जो नस्बत होती है चार तरह तमासल तदाखुल तवाफुक तबायुन अब ये लफ्जों पर ज़रा गौर करना है तमासुल मिसल से है तमासल मिसल से एक जैसा होना यानी दोनों आदत एक दूसरे के बराबर हो एक दूसरे के इक्वल हो एक जैसे हो जैसे दो है और दो है ये बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है पाँच और पाँच तीन और तीन ये दोनों आदतों के दरमियान कौन सी नस्बत कहलाएगी तमाफुल की एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है एक जैसे है तदाखुल दखल दाखिल होने से है तदाखुल का माना होता है एक दूसरे में दाखिल होना तो मतलब छोटा आदत बड़े आदत में दाखिल होता है छोटा आदत बड़े आदत में दाखिल होता है या इसकी तारीफ करेंगे बड़ा आदत छोटे आदत पर पूरा तकसीम हो सकता हो सिर्फ तकसीम ना हो सकता हो यहाँ पे पूरा की कैद लगानी है बड़ा आदत छोटे आदत पे पूरा पूरा तकसीम हो सकता हो जैसे एक आदत हमारे पास दो है और एक चार है अब इन दोनों में बड़ा आदत कौन सा है चार है छोटा दो है चार को जब हम दो पे तकसीम करते हैं दो जवाब आता है पूरा पूरा तकसीम हो रहा है इसी तरह आठ और चार है आठ और चार है इनमें बड़ा आदत चार है आठ है और छोटा आदत चार है आठ को जब हम चार पे तकसीम करेंगे जवाब आता है दो तो गोया कि आठ चार पे पूरा पूरा तकसीम हो रहा है और इसी तरह दस और पाँच है दस और पांच है इन दोनों में क्या है तदाखल की नस्बत है क्योंकि दस पांच पे पूरा पूरा तकसीम हो रहा है जवाब क्या आता है दो अच्छा यहाँ पे तदाखल में एक लफ्ज हमने समझना है वफक वफक ठीक है तकसीम करने के बाद जो जवाब आता है उसको वफक कहते हैं उस आदत का वफक कहते हैं दस को हमने पांच पे तकसीम कर दिया जवाब क्या आ गया दो आ गया अब ये दो जो है दस का वफक है आठ को हमने चार पे तकसीम कर दिया जवाब आया दो अब ये दो जो है आठ का वफक है चार का वफक नहीं है आठ का वफक है चार को दो पे तकसीम कर दिया जवाब आया दो तो ये दो जो है चार का वफक है और ये तदाखुल को तोाफु के हुक्मी भी कहते हैं ये याद रखे वैसे तोाफु के हुक्मी तोफु के हक्मी ठीक है आगे तीसरी किस्म जो है तवाफ़ुक तवाफु तो का माना होता है मुआफ़क़त करना अब ये छोटा आदद एक दूसरे पे तकसीम नहीं, पूर नहीं।, तो हो नहीं, नहीं होते पूरे पूरे एक दूसरे पे क्या होते तकसीम नहीं तकसीम तो हो जाते हैं लेकिन पूरे पूरे तकसीम नहीं होते बगैर इशारिया के बगैर कसर के बगैर फ्रैक्शन के दूसरे पे तकसीम नहीं होते पूरे पूरे अलबत्त तीसरे आदद पे दोनों तकसीम हो सकते यानी तीसरे आदद पे दोनों मुआफ़क़त कर जाते हैं दोनों आदद एक दूसरे पे तकरी तकसीम ना हो सकते हो यानी पूरे पूरे तकसीम ना हो सकते हो बल्कि तीसरे अदद पे दोनों तकसीम हो सकते हो तीसरे अदद पे दोनों पूरे पूरे तकसीम हो सकते हैं जैसे चार और छ है चार और छ है अब ये जो है चार पे पूरा तकसीम नहीं हो सकता छ को चार पे तकसीम करेंगे जवाब इशारिया में आएगा चार को छः पे तकसीम करेंगे जवाब इशारिया में आएगा ये दोनों एक दूसरे पे तकसीम नहीं हो सकती लेकिन एक तीसरा अदद है यहाँ पे एक तीसरा अदद है ठीक है तीसरा आदत कौन सा है दो दो पे दोनों पूरे पूरे तकसीम हो रहा है छह को दो पे तकसीम करेंगे तो जवाब आता है तीन चार को दो पे तकसीम करेंगे जवाब आता है दो ठीक है तो इन दोनों आदतों के दरमियान छह और चार के दरमियान निस्बत कौन सी हुई की इन दोनों के दरमियान क्या हो गई की इन दोनों अददों के दरमियान जो नस्बत हुई वो तोफुक की ठीक है अब ये जो है यहाँ पे हमें वफक की जरूरत हो तदाखर में जिस तरह वफक की जरूरत थी तवाफक में भी हमें वफक की जरूरत होती वफक, वाओ फाफ अब यहाँ पे देखे छः को जब हमने दूर, पे तकसीम कर दिया जवाब आता है तीन तो छः का वफक क्या हुआ तीन चार को हमने दो पे तकसीम कर दिया जवाब आया दो तो ये दो किसका वफक है चार का इसी तरह एक और मिसाल समझ लेते हैं आठ और छ हैं आठ और छ हैं आठ छः पे तकसीम नहीं हो सकता पूरा पूरा छ जो है आठ पे पूरा पूरा तकसीम नहीं हो सकता ठीक है अलबत् तीसरा आदत हमारे पास मौजूद है और वो है दो दोनों एक दूसरे दो पे दोनों तकसीम हो जाते हैं पूरे पूरे तो इन दोनों के दरमियान तवाफु का है इन दोनों के दरमियान क्या है तोुक आठ को दो पे तकसीम करते हैं जवाब आता है चार छः को दो पे तकसीम करते हैं जवाब आता है तीन तो आठ का वफक क्या हुआ चार छ का वफक क्या हुआ तीन तो ये तवाफुक की मिसाल आपको बता दी तवाफ़ुक की मिसाल आपको बता दी समझा दी उम्मीद करता हूं कि इस बात की समझ आ गई होगी इस बात की समझ आ गई होगी अब आगे तबायुन, तबायुन तबाय। तबाय। बैनूनत से है मुखालिफ होना एक दूसरे के जिद होना मुख्तलिफ होना ठीक है ये मानी मुख्तलिफ आते हैं जुदा होना तो दोनों आदत किसी पर तकसीम नहीं हो सकती आपस में भी एक दूसरे के साथ नहीं बनती तकसीम नहीं हो रहा है किसी तीसरे आदत पे आदप ल, आदप भी तकसीम नहीं हो सकते तो इनको तबायुन कहा जाता है जैसे तीन और पाँच है अब पाँच तीन पर तकसीम नहीं हो सकता तीन पाँच पे तकसीम नहीं हो सकता दोनों जो है किसी तीसरे आदब पे भी तकसीम नहीं होते ठीक है कोई ऐसा मुश्तरक आजाद नहीं है कि दोनों उस पर तकसीम हो जाए ठीक है इसी तरह नौ सात है, एक दूसरे में भी तकसीम नहीं होती आपस में भी तकसीम नहीं होती, ठीक है और तीसरे अदद पे भी तकसीम नहीं तौर पे, तो ये इसमें अक्सर इसमें अक्सर जो है तबायुन में ताक आहदा आ जाते हैं <coughs> <coughs> तो नोट के तहत वही बात मैंने वकदाखुल तो की सूरत में हासिल तकसीम हासिल तकसीम से जवाब आता है उसको कहते हैं जैसे आठ को दो पे तकसीम करें तो चार हासिल तकसीम आता है यानी चार जवाब आता है इस चार को आठ का वफक कहेंगे तवाफुक की सूरत में तीसरे अदद पे तकसीम करने की सूरत में जो जवाब आए वो उस अदद का वफक कहलाएगा जैसे छे और चार तीसरे अदद दो पे पूरे तकसीम होते हैं छे को दो पे तकसीम करने से तीन जवाब आता है तो ये तीन छ का वफक है चार को दो पे तकसीम करने से दो जवाब आता है तो ये दो चार का वफक है तो ये दो आदतों के दरम्यान जो नस्बत हमारे पास हो सकती है वो चार तरह हो सकती है तमासुल तदाखुल, तवाफुक और तबायुन। तमासुल तदाखुल तवाफुक और तबायन अब यहाँ पे विरासत में हमारे पास दो आदत कहाँ से आएंगे विरासत में हमारे पास दो आदत कहाँ से आएंगे? इसको ज़रा थोड़ा समझ ले कि इसरा हम मैत जब बनाते मैय ठीक है मसला दो बीविया हैं क्या है दो बीवियाँ हैं दो बेटे हैं दो बेटे हैं इसी तरह पांच भाई है ये वो रसा है ये मुख्तलिफ रसा है फर्ज करते हैं ये मसला वैसा नहीं कर रहे वैसे फर्जी तौर पे गलत है ये वैसे अब ये बीवियों का ऐसा छ बनता है बेटों का ऐसा दस बनता है ठीक है अब ये एक आदत दो बीवियां है ये एक आदत हो गया अब ये दूसरा आदत इनका हिस्सा जो है छ इन दोनों के दरमियान हमने नस्बत देखनी होगी इस तरह दो बेटे हैं ये एक आदत हो गया दस इनका हिस्सा हो गया अब इन दोनों आदतों दो के दरमियान हमने नस्बत देखनी होगी तबायन और तवाफुल में वफक की जरूरत नहीं होती वफक की जरूरत जो है सिर्फ तबाखल और तवाफ़ुक में होती है वो मैंने आपको बता दिया तोाफुक की दो किस्म है तोाफुक हकीकी यही जो तोफुक है और तवाफ़ु के हकमी उसको तदाखुल कहते हैं ठीक है तो तवाफ़ुक और तदाखुल में वफक़ की जरूरत होती है तमासुल और तबायुन में वफक़ की जरूरत नहीं होती अब आगे चलते हैं इसी को अरबी जबान में हमने बयान किया مستحقيهم النسبه بين العددين دو عددوں کے درمیان نسبت تماثل العددين دو عددوں کے درمیان تماثل की सूरत होगी कौन का माना होता होना। से एक आदतर हो अक्सर होता है बड़ा आदत जो होता है वो पूरा पूरा तकसीम हो जाता हो आल छोटे आदत पे बिला कसरीन बगैर कसर बगैर फ्रैक्शन और बगैर इशारिया के पूरा पूरा तकसीम हो रहा हो तो फुला अयीमा अला ये दोनों तीसरे आदत पे तकसीम हो जाए पूरे पूरे बगैर किसी कसर के बिल कसर कि दोनों आदतों में से कोई एक भी एक दूसरे पे तकसीम ना हो सकते हो मगर ये कसर के साथ फ्रैक्शन उसमें आ जाता है इशारिया में जवाब आता है तो ये अरबी में भी बयान कर दिया अच्छा, अच्छा अब मसला बनाने का तरीका ये बहुत अहम है अब जब हम विरासत के मसाइल हल करते हैं विरासत के मसाइल हल करते हैं ठीक है सबसे सब पहले जो हमें जरूरत पड़ती है ये जरा समझ ली इस बात को जब विरासत का मसला हमारे पास आ गया कि जी एक शख्स का इंतकाल हो गया उसका भाई है बेटा है बीवी है ये हमने लिख दिया है अब सबसे सब पहले हमने क्या काम करना होता है सबसे सब पहले वो जो वसा के हिस्से बनते हैं जिसका रूबो बनता है उसके नाम के नीचे लिख दिया सुमुन बनता है नाम के नीचे लिख दिया आसाबा है वो लिख दिया ठीक है ये पहला काम हमने करना होता है पहला काम मुकम्मल हो गया दूसरा काम हमने क्या करना होता है मसला बनाना होता है अब ये सुमन उसको कैसे मिलेगा रुबा कैसे मिलेगा आसाबा को कैसे हिस्सा मिलेगा उसके लिए हमें मसला बनाना होता है उसके लिए हमें क्या करना होता है ये मसला बनाना होता है इसका भी ताल्लुक जो है रियाजी के साथ ही है रियाजी ही है ठीक है तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने छः जिक्र फरमाए हैं जिनको हम आसानी के लिए दो हिस्सों में तकसीम करते हैं एक को नवा अव्वल पहली किस्म कहते हैं उसमें तीन हिस्से निसफ आधा इसको रियाजी की जुबान में एक बठा दो कहते हैं रुबा चौथाई रियाजी की जुबान में एक बठा चार सुमन हिस्सा रियाजी की ज़ुबान में एक बठा आठ यह आपको ये तस्वीर से जो ये दी है इससे भी आपको वाज हो रहा होगा कि मतलब दो हिस्से कर दे ये एक हिस्सा जो है ये मुराद है रोबो चार हिस्से कर दे एक हिस्सा इनमें से जो होगा वो मुराद है सुमन मतलब किसी चीज़ के आठ हिस्से कर दे ये जो एक हिस्सा होगा वो सुमन कहलाएगा नी सानी, नी सानी. अगर इसमें सुलुस एक तिहाई एक चीज के तीन हिस्से कर दे एक हिस्सा जो होगा वो सुलुस कहलाएगा सुलुसान दो तिहाई यानी एक चीज के तीन हिस्से कर दे उसके जो दो हिस्से होंगे वो दो तुहाई यानी एक सुलुसान के लाएंगे सुठा हिस्सा जो एक हिस्सा होगा उसको हम सुदुस कहेंगे ठीक है यहाँ तक बात समझ आ गई ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं अब मसला बनाना कैसे है हमने अभी हमारे पास मुख्तलिफ सूरतें होती है जब हम निमयत को लिठा दिया वो रसा के नाम लिखती है अभी कभी ऐसा होता है एक ही वारिस होता है उसको नस्फ मिल रहा होता है या रुबो और साथ में आसभा होता है या कोई और होता है नहीं कभी यानी इन ये जो छह हिस्से इन में से एक हिस्सा हमारे पास आता है कभी ऐसा होता है कि पहली नाव में से दो आ जाता है पहली नाव या दूसरी नाव में से दो आ जाते हैं सुलो सुलहसान आ जाता है पहली नाव में से निसफ रूबू आ जाते हैं है, है। और कभी ऐसा होता है कि पहली नाव में से कोई एक आता है और दूसरी नाव में से भी कोई आ जाता है तो ये मुख्तलिफूरतें आएंगी ठीक है अब हर एक के एतबार से मुख्तफ कायदे हैं वो एक हमारे पास अमूमी तौर पर तीन क़ायदे हैं इसके लिए हमारे पास नॉर्मली तीन क़ायदे हैं मसाला बनाने के लिए कितने कायदे हैं तीन क़ायदे हैं उनको समझना है उनको समझने से पहले हमने मखरज को समझना है <coughs> उनको समझने से पहले मखरज को समझना है तरफ आए देखिए निसफ रियाजी की जुबान में जो इसको कैसे लिखते हैं एक बटा दो इसका मखरज को क्या होगा निसफ का मखरज क्या होगा दो होगा एक बठा दो ये बटे के नीचे जो आदद होता है उसको मखरज कहते हैं बटे के नीचे जो आदद होता है इसको मखरज कहते हैं अब इंग्लिश में बताएं डिनोमिनेटर कहते हैं क्या मुझे अभी कंफर्म नहीं है बहरहाल दूसरा रूबो जो है इसको एक बटा चार रियाजी की जुबान में कहते हैं बटे के नीचे जो आदद होता है इसको मखरज कहा जाता है मखरज ठीक है सुमुन सुमन का माना होता है एक बठा आठ इसका मखरज क्या होगा सुमन का एक आठ होगा ठीक है ये याद रखना है ये सुलुस एक बटा तीन को कहा जाता है सुलुस का मखरज तीन है ये जुबानी याद हो के सुलुस का मखरज क्या है सुलुसान का मखरज जो है दो बटा तीन यानी तीन है सुलुस का मखरज जो है छ है ये एक बात याद कर ली जी दूसरी बात यहां पे आप हमने समझनी है कि नवा अव्वल में अव्वल में बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है जो है सबसे बड़ा है फिर दूसरे नंबर पे रूबो बड़ा है सबसे छोटा जो है इसमें सोमन है सबसे छोटा क्या है नव अवल में सोमन है ठीक है नी में आ, ये सुलुसान सबसे बड़ा है फिर उसके बाद सुलुथ है और फिर उसके बाद सुदुस है फिर उसके बाद क्या है सु है सबसे छोटा कि इसमें सु है अब पहला कायदा क्या है इनमें सबसे पहला कायदा जो है ये बहुत अहम ये जो मसला बनाने का तरीका ये बहुत अहम है ये अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए विरासत के मसायल हल करना आसान हो जाएंगे आगे सबक जो है वो भी आसान हो जाएगा यही आज पढ़ेंगे और एक दो तीन मसले हल करके फिर हमारा सबक ख़त्म हो जाएगा लेकिन इसको जरा सही तरीके से समझ लें सही तरीके से समझ लें अगर इन छः फरूज में से ये फरूज तो आपको मालूम है ये हिस्से जो है छह हिस्से जो कुरान मजीद ने मुकर किए अगर इन छह फरोज में से अकेला कोई एक मसले में आ जाए अकेला जो है कोई एक नस्फ आ जाए या सिर्फ रूबो आ जाए या सुमन आ जाए या सुलुस आ जाए या सुलोसान या सुदुस आ जाए तो मसला उस फर्ज के मखरज से बनाएंगे जो भी हिस्सा होगा उसका जो मखरज होगा उसके मखरज से हमने मसला बनाना है मसल ये मिसाल देखिए यहाँ पे जो मैंने जिसको मैंने सर्कल कर दिया <coughs> एक शख्स का इंतकाल हो गया अब उसका कोई वारिस है कोई भी हो सकता है अब हम नाम नहीं लेते उस उसको मिल रहा मसला एक बेटी है कोई और नहीं है अब बेटी को क्या मिलता है मिलता है एक बेटी को ठीक है अब हमने निसफ दे दिया अब कोई और वारिस है नहीं तो हमारे पास मसले में एक ही फर्ज आ गया एक ही खिस्सा गया अगर कोई एक अकेला आ जाए तो उसका जो मखरज होगा उसी से मसाला बनाएंगे का मखरज हमने क्या पढ़ा दो पढ़ा तो मसाला हमने किस से बनाया दो से बना दिया इसी तरह दूसरा मसाला है रूबो आ गया ठीक है मसला खातून है वो रसा में अब वो उसका रूबो है अब हमने पढ़ा कि अगर अकेला रुब आ जाए कोई मसले में आ जाए तो उसका जो मखरज होगा उससे मसला बना देंगे हमने बना लिया इसी तरह मैत हैं वो में एक ही है उसका हिस्सा सुमन बनता था तो अब मसाला किससे बनाएंगे सुमन का जो मखरज होगा उससे बना देंगे इसी तरह मसले में सिर्फ सुलूस आ गया सुलूस का मखरज तीन है तो तीन से हमने मसला बना दिया या मसले में सिर्फ सुलोसान आ गया अब सुलोसान का मखरज तीन है तो मसला हमने किससे बना दिया तीन से बना दिया या इसी तरह मसले में सिर्फ सुदस है मसले में क्या है सिर्फ सुदस है तो अब सदस का मखरज छः है तो हमने छः से मसाला बना दिया तो पहला कायदा क्या हुआ कि अगर इन छह हिस्सों में से कोई एक हिस्सा मसले में आ जाए कोई एक फ़र्ज मसले में आ जाए तो उसका जो मखरज होगा उसी से हम मसाला बनाएंगे और बात मुकम्मल हो जाएगी ये सूरत बहुत कम पेश आती है ये सूरत जो है शाह नादिर पेश आती है अच्छा यहाँ पे अगर आसभा हो एक वारिस यही हो या दूसरा आसभा हो ठीक है एक वारिस यही हो मसल न गया और एक आसभा आ गया न गया, गया मसले में और आसभा आ गया तब भी मसला हमने आसभा को नहीं देखना हमने ये निसफ को देखना दो से हम मसला बना देंगे ठीक है ये रूब है और साथ में आसभा है साथ में आसभा है तब भी मसला चार के मखरज से बनाएंगे ये आसभा को हमने देखना ही नहीं है ठीक है गोक कि एक ही हिस्सा आ चुका है ये पहली बात हो गई दूसरी बात यहाँ पे दूसरा कायदा जो है अगर मुताद आ जाए एक ना आए मुत आ, आ जाए अब इसकी दो सूरतें होती है इसकी क्या होती है मुताद आ जाए दो सूरतें होती है। वो अगर पहली सूरत है कि अगर वो मुतद एक ही नौ के हो नौ नवल में से वो दोनों या तीनों आ जाए या वो दोनों या तीनों नौसानी में से आ जाए यानी एक नव अवल नौ बल्कि नौ अवल में से रुबो आ या आ या क्या करना है मसला उनमें से अकल यानी छोटे के मफर से बनाएंगे उसमें से जो छोटा होगा उससे मसला बना देंगे मिसाल के तौर पर मिसालों की तरफ आ जाए एक शख्स का इंतकाल हुआ उसमें से एक वारिस को निसफ हिस्सा मिल रहा था नस्फ और एक वारिस उसमें से है जिसको रूबो मिल रहा है अब ये हमारे पास हिस्से दो आ गए गोह के मुताद है एक नहीं है तो गो के पहला कायदा जारी नहीं होगा दूसरा कायदा जा, जारी होगा अब दूसरे कायदे में क्या है कि अगर एक ही नाव के हो नो दोनों क्या है एक ही नाव के नौ अवल में से है निसफ और रूबो में से छोटा कौन सा है रूबो और छोटा है अकल है तो रूबो का मखरज क्या है चार है रूबो का मखरज चार है तो हमने मसाला किस से बना दिया चार से बना दिया ठीक है इसी तरह एक मसाले में हमारे पास निस और सुमन जमा हो गए इनमें छोटा कौन सा है सुमन है दोनों एक ही नाव में से है तो सुमन का मखरज आठ है इससे हमने मसाला बना दिया एक मसाला है इसमें निस भी हमारे पास मौजूद है रूबो में मौजूद है सुमन भी मौजूद है और आप ये देख रहे हैं ये तीनों एक ही नाव के है पहले नाव के है तो इनमें छोटा कौन सा है सुमन है तो सुमन का मखरज आठ है तो इससे हम मसला बना देंगे अब ये आठ में से हमने निकालना होता है आठ में से रुबो निकालना होता है आठ में से सुमन निकालना होता है ये आगे मैं बता दूंगा कैसे निकाला जाता है इसी तरह मसला नंबर तीन में देखें सुलुसान सुलुस आ गए तो यहाँ पे सुलो सुलसान दोनों का मखरज एक ही है तीन होता है तो उसमें कोई मसला नहीं होता है, इतना कोई भी एक ठीक है दूसरा देखे मसले में सुलुस सलुसान सुस आ गए या सिर्फ़ सुलुस और सदस आ गए या सलूसान सुस आ गए तो इनमें छोटा जो है सदस है उसके मफरद से हमने मसला बना दिया तो दूसरा कायदा हमें क्या समझ में आ गया कि अगर मुत्द हो और एक ही नाव के हो यानी पहली नाव के दो या तीन आ जाए या दूसरी नाव के दो या तीन आ जाए तो उनमें से जो छोटा होगा उसकी मफरस से हमने मसला बनाना है उसकी मफरस से हमने मसला बनाना है तीसरा कायदा तीसरा कायदा अगर वो मुताद हों और पहली नाव दूसरी नाव के साथ मिक्स होके आ जाए मुताद हो पहली नाव दूसरी नाव के साथ आ जाए पहली नाव क्या है दूसरी नाव के साथ आ जाए फिर इसके तीन कायदे हैं इसके क्या है तीन कायदे आसान से है ये अक्सर सूरत पेश आती है अगर नस्फ आ जाए पहली नाव में से क्या हो निसफ हो दूसरी नाव में से कोई एक हो या सब आ जाए या दो आ जाए तो जो भी सूरत हो बस हमने देखना है कि पहली नाव में से नफ आ गया दूसरी नाव में से कोई भी आ सकता है एक आ जाए दो आ जाए तीन आ जाए मसला चे से बनाया जाता है मसला किस से बनाया जाता है छः से हमने मसल, मतलब ये देखना है कि अगर नव अव्वल दूसरी नाव के साथ मिक्स होके आ जाए तो अगर पहली नाव में से नस्फ मौजूद है दूसरी नाव में से कोई भी हो तो मसला छः से बनाया जाएगा मिसाल देखें निसफ और सुलूस हमारे पास मसले में मौजूद है पहली नाव में से निसफ है दूसरी नाव में से सुलुस है तो मसला किससे बनाएंगे छः से बनाएंगे मिसाल नंबर दो देखें हमारे पास मसले में निसफ मौजूद है सुलूसान मौजूद है सुलुस मौजूद है तो पेली नव में से मौजूद है मसला हमने छह से बना दिया इसी तरह मिसाल नंबर तीन देखिए हमारे पास निसफ मौजूद है सुलूसान मौजूद है सुदुस मौजूद है तो पेली नौ में से चूंकि निसफ मौजूद है इसलिए हमने मसला किस से बना दिया छ से बना दिया ये एक कायदा हो गया एक सूरत हो गई दूसरी सूरत अगर पेली नाव में से रुबो है दूसरी नाव के एक या सब के साथ आ जाए तो मसाला बारह से बनेगा मसलन रुबो और सुलुस रुबो और सुलुस आ गए मसला हमने बारह से बना दिया रुबो सुलुसान आ गए मसाला बारह से बना दिया रुबो सुदुस आ गए स हमने बारह से बना दिया तीसरी सूरत अगर सोमन जो है पहली नाव में से दूसरे नाव के एक या सब के साथ आ जाए तो मसला चौबीस से बनेगा मसला हमारे पास सोमन और सुलस मौजूद है तो मसला हमने चौबीस से बना दिया क्योंकि पहली नौ में से सुमन मौजूद है अगर हमारे पास मसाले में सुमन आ आ आ जाए 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 तो मसाला हम चौबीस से बनाएंगे क्योंकि पहली नौ में से सुमन जो है वो आ चुका है इसी तरह अगर सुमन मौजूद है सुलुस मौजूद है सुलस मौजूद है तब भी हम मसाला चौबीस से बनाएंगे क्योंकि हमारे पास पेली में से सुमुन आ गया तो अलहमदिल्ला मसला बनाने के जो उसूल थे तीन वो मैंने आपको बता दिए पहला उसूल ये था कि अगर फरोज में से छह जो फरोज छह हिस्से हैं उनमें से कोई एक अकेला आ जाए तो ऐसी सूरत में उसका जो मखरज होगा उससे मसाला बना देंगे अगर मुत्द आ जाए यानी पहली नाव में से कोई दो आ जाए या तीन आ जाए या दूसरी नाव में से कोई एक दो या तीन आ जाए तो उनमें से जो छोटा होगा उसके मखरज से मसाला बना देंगे और अगर मुत्याद ऐसे हो कि पहली नाव दूसरी नाव के साथ मिक्स होके आ जाए मल्त होके आ जाए तो पहली नाव में से अगर निसफ होगा तो मसाला छह से बनेगा पहली नाव में से अगर रुबो होगा तो मसाला बारह से बनेगा पहली नाव में से अगर सुमन होगा तो मसाला चौबीस से बनेगा तो ये कायदा जो है आपको समझ आ गया होगा अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुश्किल पेश नहीं आई होगी अब ये आ, कुछ मिसालें भी हल कर लेते हैं ये इसी को अरबी में यहाँ पे बयान किया है अलमबानी यहाँ पे अलफलाम मौजूद नहीं है इसको आप लिख लीजिएगा दूसरी बहस जो है मसला बनाने के बारे में है अलफरूजम़द्र तोी किताब तत्ता वही आला किस्म ने फरोज मुक़दरा जो है जो हिस्से मकर है किताबुल्ल में ठीक है उनकी छः किस्में हैं और ये दो किस्मों पर मुश्तमिल हैलाउल الربع الثمن النوع الثاني الثلث الثلثان السدس الثلث. فإن جاءت الفروز فإن جاءت بس اگر آجى الفروز فروز يحسي أحاد 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 مطلب أكيلي أكيلي فالمسألة من المخرج تو مسألة جو مخرج سي مسألة كي سے مخرج سي بنائن وإن جاء نوع واحد بدون الخلط مع نوع آخر اور اگر پہلی نوع آجائے दूसरी नाव के साथ मिक्स हुए बगैर पहली पेली नहीं मुराद और अगर कोई एक नाव आ जाए कोई एक ही किस्म आ जाए दूसरे के साथ मिक्स हुए बगैर फल तो मसला तुम्हें तो मसला जो है अकल छोटे के मखरज से बनाया जाएगा व इनख तला अगर पहली नाव नौ, दूसरी नाओ के साथ मिक्स होके आ जाए तो इन तला नगर निसफ मिक्स हो चुका हो खल हो चुका हो महाबासी नवकुल नौसानी के बाद के साथ या नानी के कुल के साथ जमीन सित तो मसाला से छः से बनेगा वाल तूबोानी अवकुली और अगर रूबो जो है नोसानी के बाद के साथ मिक्स होके आ जाए या उसके कुल के साथ मिक्स होके आ जाए जमीन ही आशारा तो बारह से मसला बनेगा वालन माबाज़ानी याकुल ली और अगर सुमन जो है नोसानी के बाद या कुल के साथ आ जाए तो जो है, वो से बनेगा। ये हमने में आपको बयान करके बता दिया अब तरक्का तक़सीम करने का तरीका जो है वो हमने समझना है अब यानी अलहमद ला यहाँ पहुंचकर हम मेरासी बन चुके हैं अब हिरासत के मसाइल हल करने के काबिल हो गए हैं ठीक है अब कुछ आसान और आंफाह मसायल हैं वो हल करेंगे और फिर उसके बाद जो मुश्किल होंगे उनको हमने हल करने का तरीका समझना है अब यहाँ पे नीचे जो मिसाल लिखी है इसकी तरफ आपने मुतवजह होना आपने इसको समझना है <dles�ron coalises> यहाँ पे मैंने लिखा है मसअला मसआला मसअला भी कह सकते हैं तस्ह तसी भी कह सकते हैं यहाँ पे जो कुछ लिखा होता है जिससे हमने मसला बनाना होता है इसको मसला या तसी कहते हैं तरक़ा जो हमने लिखना होता है वो यहाँ पे लिखना होता है जितने भी तरका मैत ने छोड़ा होता है यहाँ पे वो लिखते हैं ये मैयत है और फिर यहाँ पे वो रसा लिखते हैं बिंत और अब ये वो रसा है इनको रऊस कहा जाता है इनको क्या कहा जाता है रऊस और यहाँ पे निसफ और सुदुस प्लस सुबा जो लिखा है इनको सिहाम कहा जाता है इनको क्या कहा जाता है सिहाम कहा जाता है अब ये इस मसले को हम हल करते हैं एक शख्स का इंतकाल हुआ बेटी मौजूद है हमने पढ़ा कि अगर एक बेटी हो तो निसफ मिलता है हमने निसफ यहाँ पे दे दिया ठीक है इसी तरह उसका बाप मौजूद है हमने बाप के तीन अहवाल पढ़े कि अगर मैय की मोहन सौलाद मौजूद हो तो सुदस भी मिलता है और साथ में बाप क्या होता है आसबा भी बन जाता है आसबा भी बन जाता है अब यहाँ पे तो हमने काम कर दिया दूसरा काम हमने क्या करना होता है मसाला बनाना है हमने क्या करना है मसाला बनाना है अब आप देखिए हमारे पास मसाले में क्या है हिस्से कौन कौन से आगे निसफ एक है फरूज कौन कौन से है, है। और दूसरा सुस है तो वो है कि पहला कायदा इसमें जारी नहीं होगा दूसरा कायदा भी जारी नहीं होगा क्योंकि निसफ पहली नाव में से है सो दूसरी नाव में से बल्कि तीसरा कायदा जारी होगा तीसरे कायदे के तीन हिस्से हैं पहला हिस्सा ये है कि अगर पहली नाव में से निसफ हो दूसरी नाव में से क्या है कोई भी आ जाए तो मसला किस से बनाया जाता है छे से बनाया जाता है तो हमने मसाला किससे बना दिया छह से बना दिया अब ये देखिए हमने आसभा को देखा ही नहीं बिल्कुल आसभा को हमने टच ही नहीं किया बिल्कुल हमने बस ये जो फरूज है उनको देखना होता है ठीक है असभा की तरफ आपने देखना नहीं घबराना नहीं उसको देख के अब ये छे का निस्फ हमने निकालना है अब हमने क्या करना है छे का निस्फ निकालना है छे का निस्फ हमने कैसे निकालना है क्या तरीका अपनाएंगे अब यहाँ पे निस्फ को रियाजी की जुबान में कैसे लिखा जाता है ये जरा साइड पे आप देखिए निस्फ को रियाजी की जुबान में लिखा जाता है एक बठत दो निसफ को हम रियाजी की जुबान में कैसे लिखेंगे एक बठत दो और मसला हमारे पास कुल कितना है छे है वो उसके साथ हम जरब देंगे जरब लिखेंगे इस तरह और इस तरह हमने क्या कर दिया वो छे लिख दिया अब दो एकम दो और दो ती तो यहाँ पे आपको पहाड़े भी आनी चाहिए पहाड़े आने चाहिए दो एकम दो दो ती छ तो तो वो हो गया तकसीम हो गया इस पर अब एक को तीन के साथ जर देंगे तीन ही जवाब आएगा तो गोया कि छ का निस जो है वो तीन है छ का नस्फ क्या है तीन है अब ये छे का सुदुस कैसे हमने निकालना है छे का सुदुस हमने कैसे निकालना है बिल्कुल इसी तरह सुदुस को में कैसे लिखते हैं एक बटा छे। को रियाजी की जुबान में कैसे लिखते हैं एक बटा छे ये मसला जो है उसके बाद हम जर जर जर्द करेंगे इसको छे। ठीक है छम छे छे, छे छे। यहाँ पे एक के साथ जर दिया तो जवाब क्या, जवाब क्या आ गया एक आ गया जवाब क्या आ गया एक आ गया तो ये देखें छे में से हमने नस्त दे दिया बेटी को कितना बना तीन बना और छ में से सु जो है वो हमने बाप को दे दिया वो कितना बना एक अब हमने एक को जमा कर दिया तीन के साथ एक को हमने जमा कर दिया तीन के साथ कितना बना चार। अब मसाला हमने किससे बनाया था छ से छ में से चार को जब हम माइनस करते हैं बाकी कितना बचता है दो बचता है तो जवील फरोज को हमने हिस्सा दे दिया जवील फरोज को हिस्सा दे दिया और उसमें से दो बच गया उसमें से क्या बच गया दो बच गया तो हमने पढ़ा था कि जब जवील फरोज को हिस्सा दे देते हैं तो अगर उनके हिस्सों में से कुछ बच जाए तो आसभा को मिलता है तो जवील फरोज को हिस्सा दे दिया दो बच गया अब ये दो हमने बाप चूंकि आसभा भी था आसभा होने की हैसियत से दे दिया एक बाप को जवील फरोज होने की हैसियत से मिला और दो जो है बाप को आसबा होने की हैसियत से मिला तो ये दो और एक तीन हो गए दो और एक क्या हो गए तीन हो गए ये यहां तक हमने मसला हल कर दिया अब जो है तरक जो मैय ने छोड़ा हमने वो देखना होता है हमने क्या करना है मैयत ने जो तराका छोड़ा है मैयत ने तरक छोड़ा है छे रुपये छ रुपए अब हमारा मसाला भी हमने अच्छे से बनाया था रुपये भी अच्छे थे तो हमें मजीद तकसीम करने की जरूरत नहीं बस तीन रुपये हम बेटी को दे देंगे और तीन रुपये जो है हम बाप को देंगे तीन रुपये क्या कर देंगे बेटी दे को दे दिए तीन रुपये बाप को दे दिए ये तो आसान सी सूरत थी लेकिन अगर तरक्का ज्यादा हो जैसे यहां भी दूसरा मसला है तरक्का क्या है सौ रुपए है तरक्का क्या है सौ रुपए है और मसला हमने बनाया था छ से अब हमने ये सौ रुपए छे पे तकसीम कैसे करना है छे पे तकसीम कैसे करना है ये फार्मूला यहाँ पे आपने याद रखना है सहम सहम हम यहाँ पे ये जो है ये सहम है ये नीचे जो लिखे हुए हैं ये सहम है ठीक है इनको श्याम कहा जाता है सहम को जर देंगे में सहम ये सहम को क्या देंगे जर देंगे में ठीक है ये जो सहम है इसको हमने जब देना होता है तरक्का में ये पहला काम और फिर जो जवाब आएगा उसको तकसीम करेंगे तस्सीम है जो जवाब आएगा उसको तकसीम करेंगे तस्सीम है तस् यहाँ पे मसला या ये दोनों एक चीज है मसला या तस्सी एक चीज है इस पर तकसीम करेंगे तो हर वारिस का जो है सहम निकल आएगा हर वारिस का क्या निकल आएगा सहम निकल आएगा ये तरक्का की वजह हर वारिस का फी फीफर जो है हिस्सा जो है वो लिख लें वो बेहतर है ठीक है अब मसलन ये बेटी का हिस्सा जो था सहम था तीन था इसको हमने जर दे दिया सौ के साथ जर दे दिया सौ के, के साथ तीन को सौ के साथ तीन सौ सा हो गया अब इसको तकसीम कर दिया छः पे ये छे जो है ये हमारे पास तस्ही था मसला था तकसीम कर दिया तो जवाब आ गया पचास तो मतलब सौ का पचास रुपया जो है वो बेटी का हो जाएगा और सौ का पचास रुपया जो है ये बाप का हो जाएगा इस तरीके से हमने तरका को तकसीम करना है तो ये इसी को बयान किया अगर तरका जो है श्याम पे पूरा पूरा तकसीम होता हो जैसे यहाँ पे इस सूरत में ये छः जो है ये मसले पे पूरा पूरा तकसीम हो रहा था तो उस तरका को उसी पर तकसीम कर लेंगे और अगर पूरा पूरा तकसीम ना हो रहा हो जैसे सो जो है ये छः पे पूरा पूरा तकसीम नहीं हो रहा तो साम को तरका के साथ ज़र दे देंगे ये तीन को शो के साथ जर दे देंगे और जो जवाब निकला है हासिल निकला है उसे तक यानी मसले पे तकसीम कर देंगे उस बंदे का हिस्सा निकल आ जाएगा ये तो तरका तकसीम करने का तरीका आपको बता दिया अब जो है इसी को अरबी में बयान किया तरका तक करने के बारे में तरकथ सिमी अगर तरक सिहााम पर पूरा पूरा तकसीम हो रहा है फिहा तो बहुत अच्छी बात है वह इला अगर पूरा तकसीम नहीं हो रहा फी सहमा सहम को जर दे दें अल तरीकथी तरकमी स पे तकसीम कर दे माँ अबा जो जवाब आ जाए तस्ह तस्ही पर तो ये निकल आ जाएगा सहम जरब तरह का तकसीम तस्म ठीक है अब इसके बाद जो है आखिरी बहस जो है वो फीसद निकालने का तरीका ये आप लोगों को आता होगा ये इतना मुश्किल नहीं है ये मसला वही है आपने क्या करना है सहम को तकसीम करना है सहाम को क्या करना है तकसीम करना है तस्ह पर यह तीन को तकसीम करेंगे छः पे और ज़र दे देंगे सो के साथ जर दे देंगे सो के साथ तो फीसद निकल आ जाएगा अब ये तीन छह में तकसीम कर दिया जर दे दिया सो के साथ तो पचास परसेंट जो है ये बेटी का हिस्सा है इसी तरह ये बाप का भी पचास परसेंट है तो ये फ़ीसद निकालने का तरीका है शाहम को तसीम तसीब और तकसीम कर दें और फिर जो हासिल आए जवाब आए उसे जो में सो में जर दे दें तो क्या निकल आएगा फ़ीसद निकल आ जाएगा ये तो आप लोगों को आता होगा इसी को अरबी में बयान कर दिया नस्बत अविया ये फीसद को अरबी जुबान में कहते हैं नस्बत अविया ठीक है सो फीसद ये सहम है और वो ये है कि सहम को तकसीम करें तसी पर तुम मजरब माबला जो जवाब आए उसे सो में जरब दे दें अलहमदल यहाँ तक हमने बहस जो है वो मुकम्मल कर दी यहाँ तक जो कुछ हमने पढ़ा है समझा है उसको आप एक मरतबा हल करें याद करें फिर कल अल्लाह ने चाहा तो हम तस्ही के जो असूल है वो भी पढ़ लेंगे और मज़ीद विरासत के मसाइल भी हल करेंगे तस्ही के असूल भी पढ़ेंगे और मज़ीद विरासत के मसाइल भी हल करेंगे अल्लाह ताला से दुआ है कि इसको अपनी बारगामी कबूल फ़रमाए और हम सब के लिए इलम मीरास समझने समझाने को आसान बनाए आम फम बनाए इमद दिन की सही समझ नसी फ़रमाएँ और आमल की तोफी का तहफ़र में अल्लासल काफ़िया वला वरिस नवा हम सब को अपने वालदेन के लिए उसदा के लिए सबका जारिया बनाए वाखिर उदावानदबी